बहन ने बोला, स्वामी इतनी लंबी छुट्टी मुझे कौन देगा? स्वामी ने बोला, स्वामी छुट्टी देता। बच्चों में से मेरी लड़की बड़ी है, रितु नाम है उसका, सत्य साई कॉलेज भोपाल में पढ़ती थी। उससे पहले कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक वो महू में कॉन्वेंट था, उसमें हमने उसको पढ़ाया। वहाँ पर हॉस्टल में रहती थी। अब जब कॉन्वेंट की एजुकेटेड लड़की को सत्य साई कॉलेज में भेजा, जहाँ का सब हिसाब किताब ही अलग है और कॉन्वेंट का अलग है। अब मैं देखता था कि घर जब आती थी तो मेरा दिल बड़ा उदास होता था कि वही खुले बाल रखे हुए हैं, उसने स्कर्ट पहनी हुई है। अब सत्य साई कॉलेज में तो ये सब चलता नहीं था, तो मेरे मन में हमेशा दुखी रहता था। उसको बोलता भी था तो कहती थी, नहीं डैडी मैं घर में तो पहन सकती हूँ ना, इसमें क्या बात है, वहाँ मैं अलग से करती हूँ, ठीक बात है। लेकिन उन्हीं दिनों में वहाँ की प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर तारा प्रभु इंदौर में आई, वो हमारे घर आकर ठहरी। उनके नाना जी रामकृष्ण मिशन के हेड थे, महाराज वीरेश्वरानंद जी। वो इंदौर में आए हुए थे, उनके दर्शन करने के लिए वो आई थी। और सारी आधी रात तक हमारे साथ वो बाबा की बातें करती रही, जिसमें कि सभी बच्चे भी हमारे, तीनों बच्चे मेरे जो थे, ये सब बातें सुनते रहे। और एक बात बोली, हमको हर काम वो करना चाहिए जो स्वामी को पसंद है। अगर स्वामी को पसंद नहीं है वो काम, तो वो काम अपने को नहीं करना चाहिए। दूसरे दिन जब वो चली गई तो मैंने अपनी डॉटर को बुलाकर बोला कि देखो तुम्हारी प्रिंसिपल मैडम ने क्या कहा था कि वो काम करना चाहिए जो भगवान को पसंद है। तो अब तुम देख लो, जो भगवान को पसंद है उस हिसाब से तुमको भी, मैं समझता हूँ, करना चाहिए। एंड दैट वाज द डे ऑफ हर ट्रांसफॉर्मेशन आल्सो। उस दिन के बाद उसने भी बाल अपने बांध लिए, एक चोटी कर ली, कपड़े जो थे या तो साड़ी पहनने लग गई या सूट पहनने लग गई, स्कर्ट वगैरह सब उसने अलग कर दी। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि मेरी बिटिया का भी जो था एक ट्रांसफॉर्मेशन जो था उस साल में हो गया। एक और समस्या उस कॉलेज में थी बड़ी भारी। सत्य साई कॉलेज भोपाल 1975 में शुरू हुआ था। मेरी डॉटर जो थी ये 78 में गई थी वहाँ पर। हॉस्टल पहले नहीं था कोई, फिर कॉलेज वालों ने सोचा भाई अपने को हॉस्टल चालू करना चाहिए। वहाँ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के क्वार्टर्स बने हुए हैं, तो प्रिंसिपल मैडम का जो क्वार्टर था वो कॉलेज के सामने था, और प्रिंसिपल मैडम के क्वार्टर के पीछे एक क्वार्टर जो था वो उन्होंने हॉस्टल के रूप में दे दिया कि इसमें आप बच्चों को ठहराइए। अब उस वक़्त 6 बच्चे थे सिर्फ, जिसमें से एक मेरी लड़की थी, एक हमारे प्रांत अध्यक्ष सेठ साहब की लड़की थी। हम दोनों ने ये जानबूझकर सलाह करके अपनी लड़की को इस कॉलेज में डाला था। पहले शुरू में इच्छा यही रही थी कि स्वामी का अनंतपुर में कॉलेज है, वहाँ पर अपनी बेटियों को डालेंगे। उनकी भी यही इच्छा थी, मेरी भी इच्छा थी। लेकिन चूँकि हमारी स्टेट में कॉलेज खुल चुका है, अगर हम अपनी लड़की को यहाँ नहीं पढ़ाएंगे तो दूसरों को हम कैसे बोल सकते हैं कि आप लोग यहाँ लड़की को पढ़ाइए। इसलिए हमने उस कॉलेज में, चाहे वो शुरुआत में बहुत तकलीफ़ें थीं, हॉस्टल नहीं था तो हॉस्टल अब बना। अब 6 लड़कियाँ हॉस्टल में थीं, इसमें से 2 तो हमारी लड़कियाँ थीं, एक मांडले साहब की लड़की थी, 2-3 लड़कियाँ जो थीं दुर्ग से थीं, आर.के. शर्मा साहब थे उनकी लड़की थी। ऐसे 6 लड़कियाँ थीं, लेकिन लड़कियों को संभालने वाला कोई नहीं था, वार्डन कोई नहीं था। सारे भोपाल में ढूंढने पर समिति वाले इंतज़ाम नहीं कर पाए कि वार्डन जो है कोई मिले। अब वार्डन के बगैर, चाहे 6 लड़कियां हैं, खाना बनाने वाली भी है, लेकिन फिर भी उनको देख रेख करने के लिए तो कोई ना कोई वार्डन चाहिए। तो प्रिंसिपल मैडम मेरे को कहने लगी कि भाई हमारी ये बहुत समस्या है, इसको कैसे किया जाए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इस समस्या का समाधान आपके लिए कुछ ना कुछ करता हूँ। मेरी सिस्टर जो थी, जिसका नाम कमला भूटानी था, वो यहाँ हमारे पास रहती थी। अब थोड़ी सी उसकी बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहूँगा मेरी सिस्टर की। मेरी सिस्टर जो थी, ये कुछ उन अनफॉर्चुनेट बच्चों में थी जो शायद बचपन से ही किस्मत के अलग किस्म के ही थे। बचपन में जब हम लोग सरगोधा पाकिस्तान में रहते थे तो उसको आर्थराइटिस हो गया, उसकी टांगें जुड़ गईं। उस टाइम पे कोई इलाज ही नहीं होता था, बड़ी मुश्किल से होम्योपैथिक के इलाज से उसकी टांगें खुलीं। उसको उठाकर नहलाने धुलाने सुलाने के लिए मैं गोदी में उठाकर ले जाता था। मेरी भी उम्र 14-15 साल की थी उस टाइम पे। और जब लोग हम लोग पाकिस्तान में बना अगस्त के करीब, तो हम लोग वहाँ से जब माइग्रेट किए तो उस टाइम पे हम सरगोधा में हम रहते थे। हमारे फादर बच्चों के साथ लेकर हम लोग जब चले तो लाहौर में हमने दूसरी ट्रेन पकड़नी थी, तो उसको बहन को मैंने अपनी गोदी में उठाकर दूसरी ट्रेन में ले गया, क्योंकि मेरे जो बाकी छोटे भाई थे, एक की 8 साल उम्र थी, एक की 5 साल उम्र थी, एक की 2 साल थी, उनको मेरी मदर और फादर ने लिया। सामान भी ढेर सा था, इस तरीके से बड़ी मुश्किल से जाकर हमने गाड़ी पकड़ी और इस तरीके से दिल्ली में आ गए। 1950 में उसकी शादी हुई, लेकिन शादी के बाद कुछ भगवान की पता नहीं कैसी नियति थी कि वो सुखी नहीं रही। उसके हस्बैंड का कुछ परमानेंट काम नहीं था कोई भी, तो कभी कोई काम करता था, कभी कोई काम करता था। उसके फादर बहुत ही सभ्य थे, बहुत ही कल्चर्ड थे, हिसार में बहुत बड़े ज़मींदार थे, उनका वो बेटा था। लेकिन फिर भी उसकी तकदीर अलग थी, उनके माँ बाप की अलग थी। माँ बाप से अपना पैसा हिस्सा लेने के बावजूद भी वो लाइफ में सेटल नहीं हो पाया और सारी उम्र लाइफ में सेटल नहीं हुआ। उसका नतीजा ये निकला कि हमारी लड़की, हमारी बहन जो थी, हमारे पास ही रही। अब इंदौर में भी जब इस हमारी बिटिया की ये वार्डन की बात आई तो ये बहन मेरे पास ही रह रही थी। तो मैंने फिर अपनी बहन को बोला कि भाई क्या तुम ऐसा कर सकती हो कि भाई वहाँ पर वार्डन के रूप में जाकर तुम बच्चों को संभालो। तो कहने लगी कि आपका बहुत एहसान है मेरे ऊपर, इसलिए मैं जाऊँगी। तो उसको साहब हमने फिर वहाँ भोपाल चली गई। 200 रुपया महीना उसको पगार मिलती थी। 6 लड़कियाँ थीं, उनको पूरा उनका खाना पीना, नहाना धोना, कपड़े देखना करना पूरा संभालती थी। बहुत खुश थी वो कि भाई चलो मेरे को, उसके बच्चा भी कोई नहीं था अपना, मेरे को बच्चे संभालने का मौका मिल गया। 1980 में वो बाबा के यहाँ इन लड़कियों को लेकर इंटरव्यू के लिए गई, वहाँ पर दर्शन करने के लिए बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में बाबा ने इंटरव्यू में बुलाया। अब उस टाइम पे क्या था कि हमारे जो दामाद साहब थे, कुछ उनका काम शायद कुछ ठीक हो गया था, तो उन्होंने हमारी सिस्टर को, मतलब अपनी धर्मपत्नी को चिट्ठी लिखी कि तुम चाहो तो तुम अब आ सकती हो, अब मेरा काम कुछ ठीक है। वो दिल्ली में सांगी ब्रदर्स में कुछ काम करने लग गए थे और कुछ प्राइवेट काम भी करते थे, तो 4 पैसे शायद उन्होंने कमा लिए थे। अब मेरी बहन इसी में कि भाई मैं अब यहाँ से कैसे जाऊँ, मैं तो यहाँ पर ड्यूटी है मेरी। अब जब भगवान के यहाँ गई तो भगवान से पूछा कि बाबा ऐसे ऐसे मेरे को हस्बैंड से चिट्ठी आई है, क्या मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। बाबा ने कहा नहीं तुम जाओ, लेकिन छुट्टी लेके जाओ। तो मेरी बहन ने बोला स्वामी इतनी लंबी छुट्टी मुझे कौन देगा। स्वामी ने बोला स्वामी छुट्टी देता तो इस तरीके से 2 साल वहाँ रहने के बाद वो वहाँ से छुट्टी लेकर दिल्ली चली गई। और देखिए, भगवान ने कहा था कि छुट्टी लेके जाना, और 6 महीने के अंदर अंदर हमारे दामाद की डेथ हो गई और वो वापस आ गई। लेकिन भगवान ने शायद इसलिए भेजा उसको क्योंकि उसने 4 पैसे वहाँ कमा लिए थे, और उस पैसे को अगर ये नहीं जाती तो वो बिखर जाता। तो वो पैसा समेट कर वो ले आई और वो यहाँ पर आकर उसने थोड़ा अपनी इच्छा जाहिर करी कि मुझको अलग रहने के लिए कुछ मेरा इंतज़ाम कर दो। तो हमारे छोटे भाई के यहाँ हमने उसके ऊपर एक पोर्शन बनवा दिया, उसने भी कुछ पैसा उसमें लगाया और फिर वो बड़ी सुखी रहने लगी। स्वेटर बुनती थी साथ में, और अल्टीमेटली 2007 में उसकी डेथ हो गई और सारा पैसा मेरे हवाले कर गई और विल बना गई। और उस विल के मुताबिक कुछ पैसा उसने सेंट्रल ट्रस्ट में भेजने को मेरे को बोला, और करीबन 10 लाख रुपया से ऊपर उसने मुझे बोला कि ट्रस्ट में रखो, एजुकेशन के काम में आए। और वो 10 लाख रुपया सत्य साई ट्रस्ट मध्य प्रदेश में इंदौर में रखा हुआ है ताकि उसको रतलाम के स्कूल के काम में आएगा। ये छोटी सी गाथा मेरी सिस्टर के बारे में थी जो मैंने आपको बताई।